भाई आज हम लेके आए हैं थाली, और हम लेके आए हैं दो जगह से थाली, जो एक रोशनलाल रेस्टोरेंट की है और दूसरी जेडी मराठा फैमिली रेस्टोरेंट। ये दोनों ही रेस्टोरेंट कासगंज में हैं। भाई ये थाली है जेडी मराठा फैमिली रेस्टोरेंट, नियर गांधी मूर्ति कासगंज। तो भाई हम इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या है। भाई पैकिंग तो इनकी ठीक ठाक लग रही है। भाई इसमें इन्होंने हमें टिश्यू पेपर दिए हैं और सिरके वाली प्याज और आइसक्रीम भी दी है। चम्मच है और ये इनका मेनू कार्ड है। और इस तरह का इन्होंने ये बिल बना के दिया है, स्पेशल थाली 250 रुपये। भाई इस पैकेट को खोल के देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। कृष्णा रोटी हो सकती है, भाई देखते हैं इसमें। अंदाजे से बता रहा हूँ। अरे वाह भाई, इसमें मिली है हमें, दोनों टाइप लच्छा पराठा, नहीं लच्छा पराठा तो नहीं है, बटर नान, नहीं, बटर रोटी और भाई इसमें हमें एक मिस्सी रोटी और एक लच्छा पराठा, नहीं, एक नान बटर नान है और दो बटर रोटी है। तो इस तरह से इस थाली में इन्होंने, इसमें हाँ दिया तो बहुत कुछ है, रोटी बहुत है। अरे हाँ अब भाई हम इनकी थाली देखते हैं। अरे वाह, भाई साहब, इसको करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। देखते हैं कितना कुछ दिया है इन्हें। ये बहुत कृष्णा ये तो है इनकी दाल मखनी, और ये है इनका रायता, ये मिक्स वेज की एक सब्जी है, और ये शाही पनीर, ये शाही पनीर है, और सैलेड भी दिया है इन्होंने अलग से, और सिरका वाली प्याज भी दी है, और इनके ये फ्राई राइस हैं, एक इन्होंने पापड़ और संग में नींबू दिया है। नंबर पे हमने पैकेट लिया है रोशन लाल कैलाश चंद रेस्टोरेंट। भाई इसमें देखते हैं क्या क्या है। भाई सबसे पहले इनका बिल देखते हैं। बादशाह थाली के नाम से इनकी ये थाली है और इसका प्राइस है 250 रुपये। भाई इनकी भी 250 रुपये की कीमत है, प्राइस दोनों के सेम है। इन्होंने टिश्यू पेपर दिया है, चम्मचे हैं, अरे वाह इनका ये इस तरह का पैकेट है। इस पैकेट में क्या क्या है, फिर रोटी होगी, इसके अंदर क्या ज्यादा बेटर होता है। और ये खोल के इसमें, भाई इनकी थाली में देखते हैं क्या क्या है। अरे भर के तो शाही पनीर दिया है, भाई इनके उसमें जीरा राइस, रसगुल्ला, सैलेड इस तरह का रहता है इनका, और मिक्स वेज और एक स्वीट, सफ़ेद रसगुल्ला। ये क्या शाही है, शाही पनीर, शाही इतना पनीर, सारा यहाँ पे हाँ राइस भी काफ़ी गई दिया। होगी। और ये है इनका दाल मखनी, ये क्या चीज़ है, ये अचार है, ओह और ये है इनका बूंदी रायता। भाई उनका सादा रायता था जेडी मराठा वालों का, इसमें बूंदी रायता है। और अब हम करते हैं टेस्ट। टेस्ट नहीं और फिर ये बताते वाला हैं। पैकेट तो खोला ही नहीं। अरे हाँ अभी ये पैकेट भी रह गया। भाई इस पैकेट को खोल के देखते हैं।
रोटी की पैकेजिंग अच्छी की है हमने भाई। रोटी क्या है इसमें सिर्फ भाई, एक तो इनका लच्छा पराठा है और एक है बटर नान, बस दो ही हैं इनके। रोटी जो है जेडी मराठा वालों के में ज़्यादा थी भाई। ये वाली है रोशनलाल की और ये वाली है जेडी मराठा। तो अब चेक करते हैं दोनों को। भाई शाही पनीर इनका बढ़िया है, दाल मखनी का भी अच्छी है, मिक्स वेज सही है, लेकिन मटर थोड़ी इनकी कम गली है। और अब देखते हैं जेडी मराठा। शाही पनीर सही है लेकिन रोशन लाल से ज़्यादा बढ़िया नहीं है, रोशन लाल का इससे बेस्ट है। दाल मखनी जेडी मराठा की बहुत बढ़िया है। तो भाई बेस्ट थाली कौन सी होने वाली है ये आप लोगों को बताना है कमेंट करके। बेस्ट थाली रोशन लाल की होगी या फिर जेडी मराठा की, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।